हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। गणेश लक्ष्मी हमारे और आपके घरों में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रहें और रखें और हमें हमारे घरों में स्थिर रहें। दोस्तों, तो चलिए आज हम दिवाली की सेलिब्रेट कैसे करते हैं और क्या क्या अभी करेंगे, अभी क्या कर चुके हैं, तो आज हम उन्हीं सब के विषय में आप सबसे बातें करेंगे। तो इस बार क्या है कि दिवाली, पहली बात तो मैं इस बार अकेले ही, मतलब नमन खाली हैं और इनके पापा और बाकी प्रियम भी अम्मा बाबूजी के साथ चले गए हैं गांव। तो बहुत जैसे अकेलापन महसूस हो रहा है प्रियम के बिना, जानते हैं, तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरा, लेकिन नमन है, बस उसी में टाइम पास हो रहा है। और काम में भी इतना इंसान व्यस्त रहता है कि किसी को याद करने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता है। तो आई मिस प्रियम। तो दोस्तों, प्रियम वहाँ है, वहाँ का आपको बाद में क्या किया है क्या नहीं किया है वो आप सबको दिखाएगा। तो आज हम क्या क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तो सुबह साफ़ सफाई हो के, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बताई हूँ कि रूटीन हमारा यही है कि साफ़ सफाई पहले पूरे घर की कर ली हूँ, फिर भगवान जी की पूरी पूजा यहाँ हो गई है। और ये देखिए, अभी हमारा मंदिर कुछ इस तरह से लग रहा है। और यहाँ कुछ डाइनिंग टेबल के कवर ओवर भी चेंज कर दिए हैं, बेडशीट भी यहाँ का बदल गया है, और कुछ इस तरह, कुछ इस देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये ड्राइंग रूम लग रहा है। और नमन और उनके पापा गए हैं माला फूल लाने वहाँ दुकान से। तो ये देखिए, कुछ मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है अपने कमरे को। तो अभी तो साफ़ सफाई की काम हो गई है, पूजा नहाना धोना ये सब हो गया है, अब चल रहे हैं हम। पहले तो कुछ ही लोगों के लिए नाश्ता बना के दे देंगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे। बहुत सारे काम आज बचे हैं दोस्तों, तो चलते हैं। पहले आपको छत भी दिखा देते हैं कि मैंने आप अपने छत पर आज कुछ सफाई की है और लाइटिंग का कुछ डेकोरेट हुआ है, तो सब मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये है इन लोगों के स्टडी रूम का कमरा। तो पहले इसकी कहानी को मैं दिखा दे रही हूँ कि यहाँ मैंने अभी किस तरह से किए हैं। ये देखिए, यहाँ अभी कुछ ठंडी के प्लांट्स अभी तक लगाए हैं, और इधर हैंगिंग बास्केट में सब लगे हैं। और इस तरह से कुछ लग रहे हैं, ये देखिए, ऊपर से एक प्लांट लटक के इतना नीचे इस फ्लोर तक आ गया है। चलिए अभी ऊपर चलते हैं टेरेस पे, और टेरेस पे मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे सफाई की है, सब मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, हालांकि बहुत बार आप लोग देखे होंगे, लेकिन अभी कल मैं सफाई की थी, और इतना ज़्यादा गंदा होता है दोस्तों ना, कि एकदम मैं परेशान हो जाती हूँ इस टाइम। तो जैसे लग रहा है पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा झड़ती हैं, तो इसलिए टेरेस और भी गंदा होता है। कुछ मैंने प्लांट्स को मैंने इधर उधर अपने किए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं। चंपा के प्लांट को मैंने इधर कर दिया है, और इधर देखिए तो कुछ इसी तरह इसको मैंने मैं कुछ न कुछ इसमें चेंज करती ही रहती हूँ, हमेशा मेरी आदत है। इधर पूरे हॉल की सफाई मैं कर दी थी, और इधर देखिए पूरे प्लांट की सफाई हो गई है। कुछ इस तरीके से अब मेरा गार्डन लग रहा है। और इधर देखिए लाइटिंग भी सब लगी है, सुबह थोड़ा धूप हो गया है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। शाम को फिर मैं जब लाइटिंग जब जलेगी तो फिर मैं दिखाऊंगी बाहर से, बहुत ही सुंदर लगता है जब लाइटिंग होती है। तो दोस्तों अभी चलिए हम नीचे चल रहे हैं, और आगे अभी बहुत सारे काम पड़े हैं हमारे, तो जैसे जैसे मैं करूंगी कुछ नया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी घर की डेकोरेशन सब बाकी ही है, रंगोली बनाना, खाना बनाना, पूरा काम अभी बचा हुआ है, और पूरा दिन भी है, तो आज पूरे दिन हमें लगना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो नमन आ गए हैं माला फूल लेके, इनके पापा अभी नीचे ही हैं, शायद गाड़ी उनकी बाइक को धुलना है। तो ये देखिए माला फूल आ गया है हमारा,
तो यहाँ फूल आने का काम हो गया अब हमारा, अब बचा है डेकोरेट और रंगोली, सबसे मेन काम है जो। तो दोस्तों यहाँ हम अपना रंगोली बना रहे हैं। हाँ हालांकि आप लोग हमारी रंगोली को देख के हंसिएगा मत, क्योंकि मुझे रंगोली उंगली बनाने नहीं आता है, बस टेम्परेरी किसी तरह से बना ले रहे हैं। शुभ हो जाता है इस तरह से रंगोली बनाना, लोग शुभ मानते हैं तो इसीलिए शुभ कर ले रहे हैं। तो ये है हमारा दोस्तों रंगोली का कुछ ऐसा डिजाइन, अभी बना ही रहे हैं, अभी पूरी तरह से जब बन जाएगा तब हम आपको, आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और नमन हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इधर देखो जी, हाय करो। ठीक है दोस्तों, अभी हम बना ले रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं आप लोगों को कैसी हमारी रंगोली बनी है। देख के आप लोग हंसेंगे, लेकिन ये भी बताइएगा कि इतनी गंदी तो नहीं बनी है हमारी रंगोली। तो दोस्तों ये हम छोटी सी रंगोली बना के तैयार कर चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी रंगोली बनी है, ये देखिए। दरअसल दोस्तों ये हम मतलब कि बीच में ही लॉबी के बीच में नहीं रंगोली बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शुरू से ही आंगन में पूजा की जाती है, तो यहाँ तो शहर में तो आंगन मिलता ही नहीं है, लॉबी रहती है, तो लॉबी तो देख रहे हैं एकदम पूरी भरी हुई है। तो यहाँ हमारे यहाँ ये देखिए छोटा सा ये आंगन ऊपर से खुला है, तो हम लोग इसी को आंगन अपना मानते हैं, और यहीं हम लोग दिया बैठ के जलाते हैं। तो शाम के टाइम जब दिया जलाते हैं तो इसी स्थान पे दिया जलाते हैं, तो जहाँ दिया जलाते हैं उसी वहीं रंगोली बनाते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह से रंगोली दिख रही है दोस्तों। अब बताइए आप कि कैसा बना है रंगोली, अगर थोड़ा बहुत अच्छा बना हो तो बताइएगा, अगर ख़राब भी बना होगा तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि काम चलाओ बस बना दिए हम किसी तरह से। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ जो ये है अपना, ये फूल माला लगाने का भी काम शुरू कर दिए हैं। तो घर के अंदर पहले मंदिर से ही शुरू करते हैं, तो यहाँ मंदिर में इस तरह से लगाए हैं, और दरवाजे के पास पास इस तरह से सब लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ किचन के सामने इधर लगा हुआ है, मेन दरवाजे पर इस तरह से लगा दिए हैं ये सब। देखिए यहाँ यहाँ ये दोस्तों मतलब कि नीचे भी मेन गेट से माला फूल लगाने का काम शुरू कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। और ये देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये ठाकुर जी का सिंहासन मैंने अभी नया परसों ही धनतेरस पे ठाकुर जी का के लिए मैंने खरीद के लाया। पहले आप लोग ध्यान से देखे होंगे, ये शॉर्ट वीडियो में डाली थी एक, तो उसमें देखे होंगे एक वहाँ देखिए छोटी सी कटोरी रखी है पीतल की, तो उसमें ठाकुर जी रहते थे, तो बहुत हमको बुरा लगता था, तो इसलिए मैंने वहाँ से खरीद के लाया। और यहाँ देखिए अभी तक पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है, अभी बज रहे हैं टाइम 4:45, 4:45 हो रहा है, तो ये सब पूजा की तैयारी कर ली हूँ पहले से ही। अभी अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। और ये देखिए कुछ इस तरह से मंदिर का डेकोरेशन हुआ है। अभी ठीक लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ भी दिया और जो घी का बत्ती जलता है और सरसों के तेल की बत्ती, तो ये सब मैं इकट्ठा करके रख ली हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी और आता रहता है तो। और ये देखिए छोटा सा नमन जो है अभी अभी आके यहाँ बालकनी की रंगोली बना के गए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से है। और ये बालकनी मेरी कुछ इस तरह से लुक कर रही है दोस्तों, ये देखें। तो यही है, अभी अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, और उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, दिया बत्ती कैसे जलाते हैं, फिर पूजा होगा, फिर उसके बाद यही सब जैसे काम होता है सब, तो यही सब करेंगे। प्रियम जान लीजिए जब से वो पैदा हुआ है ना, फर्स्ट टाइम जान लीजिए को मुझे अकेला छोड़ के गया है, किसी भी फेस्टिवल पे मैं अकेली नहीं रही हूँ बिना बच्चों के। हम दोनों बिना बच्चों के साथ, तो हमारे बच्चे रहते ही हैं हर फेस्टिवल में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो मुझे छोड़ के गया है, हमें छोड़ के गया है सॉरी। लेकिन जान लीजिए बहुत खल रहा है इस चीज़ को, और उसको मैं अब जाने भी नहीं दूंगी, बहुत रो रहा था इसलिए जिद किया तो चला गया। तो ऐसा है दोस्तों, चलिए अब हम पहले तैयार हो जाते हैं, फिर दिया जलाने का टाइम भी लगभग हो रहा है, तो चलिए पहले बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों ये दोनों लोग तैयार होके इधर बाप बेटे खड़े भी हो गए हैं, मुझे भी तैयार होना है। हाय कर रहे हैं,
तो ये देखिए जो नमन का जो शर्ट पहना है, इस बार हम लोगों ने इसको गिफ्ट में दिया था कपड़ा, तो कैसा लगा ये देखिए। एक्टिंग कुछ ज़्यादा कर रहे हैं ये, और प्रियम का तो अपने साथ वो लेके गए हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर कैंडल लगाने छत पे, और मैं जा रही हूँ, चल रही हूँ तैयार हूँ। तो यहाँ दोस्तों हम तैयार होकर आ गए हैं, हम जा रहे हैं दिया जलाने, और 5:30 हो गया है, दिया जलाने का टाइम हो गया है। हमारे यहाँ देखो आग ऊपर ही जो होता है पूरी आग जला के रखा जाता है, और यहाँ गाय का गोबर नीचे थोड़ा सा दिया रख, अब हम दिया जलाएंगे। हम यहाँ दिया जलाने का काम शुरू कर दिए हैं, तो दिया हमारे यहाँ ऊपर नीचे रखा जाता है, घर हमारा कुछ ऐसा लग रहा है, दिया हम जला चुके हैं, और अब हम बाहर करके आते हैं तरीके से लग रहा है बाहर से। अब इसके बाद हम पूजा शुरू कर दिए हैं, पूजा हमारा लगभग हो चुका है, आरती कर रहे हैं दोस्तों, हमारा आरती भी हो गया है, इसके बाद अब हम जाएंगे ऊपर। अब इसके बाद नीचे जाएंगे गाड़ी का भी पूजा पूजा नीचे कर रहे हैं, हमारा पटाखा छुड़ाने वाला लगभग काम हो चुका है। अब हम चल रहे हैं नीचे, नीचे भी कैंडल लगभग दोनों तीनों फ्लोर पे जलाना है, तो कैंडल जलाने के बाद दोस्तों उसके बाद हम चलेंगे कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद वही खाना वाना खा के फिर सबका भी फ़ोन से बात करेंगे, सबका पैर छूने के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ हम आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर पर जहाँ हमने अपने गार्डन को बना के रखा है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अब रात का लुक लग रहा है गार्डन में, और देख लीजिए अभी लोगों का पटाखा छुड़ाने का अभी नशा गया नहीं है, अभी लोग छुड़ा ही रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यही है, बस वही खाना वाना खा के सोना है और कुछ नहीं करना है, काम सब खत्म हो गया। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए वीडियो पर दोस्तों। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपसे बताया था कि रात में मैं दिखाऊंगी, तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं ऊपर से मैं दिखाई थी। अभी लोगों को पटाखा देके छुट्टी रहा है, तो अभी लोगों को पटाखा और छुट्टी छुड़ाने का काम शुरू ही है, अभी पता नहीं कितने कब तक लोग छुड़ाएंगे, तो हम चल रहे हैं नीचे। और उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग और हमारे दीपावली का फेस्टिवल आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए वीडियो और ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय योर डे, बाय।